अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी रेसिपीज की अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शाकुटी, जिसके लिए मैंने लिया है अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की कली। इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। अभी हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, तो अब चलिए चिकन में मिला लेते हैं इसे। और नमक इसको अच्छी तरह से मिला के 4 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। अभी हमारा चिकन जो है 4 घंटा हो गया था, फ्रिज से हमने निकाल लिया। अब चलिए मसाले रोस्ट कर लेते हैं। अब 1 चम्मच तेल डालते हैं पैन में मसाले को रोस्ट करने के लिए। अब इसमें 2 चम्मच धनिया, जीरा 1 चम्मच और फ्रेश नारियल। अब इसको हल्का सा भून लेते हैं। अभी हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम पीसेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम एक कढ़ाई में तेल डाल के और प्याज ब्राउन कर लेते हैं। अभी गरम हो गया है, अब इसमें डालते हैं 1 तेज पत्ता और 1 कटा हुआ प्याज। इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन हो रहा है चलिए मसाले भी पीस लेते हैं। ये हमारा रोस्टेड मसाला है, ये डाल लेते हैं इसमें। 4 सूखी लाल मिर्च, ब्राउन किया हुआ प्याज। अब 1 चम्मच खसखस है जो हमने पहले से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच इमली का पेस्ट। और ये गरम मसाले हैं, ये भी मैंने भिगो दिया था पानी में। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये मेरे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए इसमें चिकन डाल लेते हैं। ये 5 से 6 मिनट तक हमने अपने चिकन को भून लिया है, लेकिन अब इसमें हम पिसे हुए मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाइए। मसाला अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसे ढककर लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि चिकन अच्छी तरह गल ना जाए। अब इसे ढक देते हैं और बीच बीच में आप 2 से 3 मिनट के बाद चलाते रहिए इसे लो फ्लेम पे करके। चलिए ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते रहना है जब तक कि चिकन गल ना जाए। अब मैं चेक करती हूँ अपना चिकन, ये 12 से 15 मिनट हो गया है। देखिए हमारा चिकन भी गल चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, 1/2 गिलास, ये छोटा सा गिलास है मेरा ग्रेवी के लिए। और इसको अच्छे से मिलाइए। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। थोड़ा सा और पानी डालते हैं, आप चाहे तो इसे सूखा भी रख सकते हैं। अब इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे।
अभी हमारा चिकन रेडी हो गया है, चलिए इसे निकाल लेते हैं।